हेलो एव सो फाइनली माइलेग्ज थर्टी 35, जो वैसे मैंने रेंट पे दिया है तो आज फ्री था उनका डे ऑफ था तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ दो वीक से ये आया है तो फर्स्ट मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी इस कैमरे का किया है आई होप आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि दो वीक पहले मैंने डाला था वो भी एक सेट पे भोजपुरी सेट पे जो इंडियन फिल्म बन रही थी वहाँ पे और एक अच्छे दोस्त जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया बीआईपी आई पी बिचंदर सिंह और बिहार से बिहार का रहने वाला और एक बहुत अच्छा एक्टर भी है और बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है उसके प्लस मिलियन सब्सक्राइबर है ऐसा यू फेसबुक में भी यही है ऑलमोस्ट टच कर रहा है और यह तो कैमरे की मैंने कहा मैंने इतनी ब्रीफ नहीं दिया था जो फ़र्स्ट उस दिन मैंने अनबॉक्सिंग किया था मैंने सिर्फ अनबॉक्स किया था लेकिन बताया ये नहीं था कि मैंने इस कैमरे को लिया क्यों और मेन मकसद क्या था और कैसे लिया और कितने का लिया है तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ लास्ट ईयर जब यह कैमरा आया था ऑलमोस्ट एक साल हो गया तो जब आया था Uh, जब मैंने ऑर्डर किया था मैं उस टाइम बहुत खुश था <laughs> uh, जब ऑर्डर किया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था uh, uh, ये मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा जैसे ऑर्डर कर दूंगा मिल जाएगा तो एक वीक हो गया एक वीक जैसे मैंने ऑर्डर किया फिर एक वीक मैं वेट कर uh, किया इसका तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा ऑर्डर किया है कैमरे का कोई अपडेट है ही नहीं कह रहा है कैमरा तो आपने ऑर्डर किया लेकिन अभी थोड़ी मिलेगा <laughs> तो फिर मैंने कहा कब मिलेगा कह रहा है इसका नॉर्मली जो कि आप लकी हो अगर आपको एक साल के अंदर मिल जाए तो मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा एक साल तो मैं नहीं रुक सकता हूँ एक साल में क्योंकि पेमेंट बहुत ज़्यादा है मैंने ऑलरेडी क्लियर किए थे उस दिन आई मीन I mean, उस टाइम जब लिया था फिर मैंने कैंसिल किया छु से इसको कैंसिल किया मैंने कहा एक साल में वेट नहीं कर सकता हूँ और जो पेमेंट मेरे पास थे उस टाइम और मैं उसको उनको ऑलरेडी मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया था फिर मैंने उनको बोल दिया उस टाइम मैं मुझे लेंस भी लेना था तो मैंने कहा ओके जो आप लोग के पास है मुझे आ, आ वो दो आई मीन लेंस लेता हूँ मैं अब जो पेमेंट है उस टाइम सेवेंटी फाइव थाउजेंड पाउंड का ऑफ फाइव लेंस मैंने लिए ले थे वो भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिले थे वैसे ओरिजिनल प्राइस आई थिंक एटी फाइव थाउजेंड समिंग था तो मुझे बहुत डिस्काउंट में मिल गए डिस्काउंट में इसलिए क्योंकि uh, इस स्टोर से मैं बार बार शॉपिंग करता हूँ उनको पता है रेगुलर क्लाइंट थोड़ा करते और uh, वो लेंस मैंने लिए सुप्रीम प्राइम सेट ऑफ फाइव लिए थे और अभी रिसेंटली दो वीक पहले जब ये कैमरा आया था आई uh, मीन I mean, तो साल तो पूरा हो गया और ये कैमरा uh, इनकी वेयर हाउस पर आया था आई थिंक किसी का ऑर्डर कैंसिल हो गया था किसी ने बैकआउट हो गया था जिस जो जो भी रीज़न था लेकिन उन लोगों ने मुझे बोला था हमारे पास कैमरा है अगर आपको लेना है तो मैंने कहा मैं देखता हूँ मैं कितना अफोर्ड कर पा रहा हूँ मेरे पास कैश कितना पड़े हुए किस तरह कर सकता हूँ तो टोटल कॉल जो मुझे इसका आ, विद एक्सेसरीज़ पड़ा हुआ है एक्सेसरीज मीन्स चार बैटरी है जो कैमरे के साथ मैंने लिए और, आ, और स्वाप भी एक लिए और एक कार्ड रीडर एक मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया है आ, तो कार्ड रीडर इनके ये जो लिया है और ये मुझे टोटल कॉस्ट पड़ा हुआ है नाइन्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी पाउंड यस नाइन्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी तो इतने का मुझे पड़ा है आ, और एक कार्ड और लिया है लेकिन इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट मुझे आ, इन लोगों ने जो लिस्ट किया है एक लाख सात हज़ार पाउंड बनते आई थिंक सो और uh, लेकिन इन लोगों ने अगेन इसमें भी मुझे बहुत डिस्काउंट दिया है जो अलग uh, था like बार बार उठाता था लेकिन मुझे बहुत पसंद है वेट भी बहुत ज़्यादा करा इसके लिए <laughs> तो हाँ और uh, बहुत लोग बोलते थे, थे कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए था इतना ज़्यादा एकदम आपने इस पर इन्वेस्ट किया है और इससे पहले और कैमरे भी मैंने दिए सो नॉट जस्ट कि ये और वो मेरा मकसद यही है क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा आपको पर मंथ वो जो इस प्राइस में लेस से नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू के में तो नाइन्टी सेवन थाउजेंड पे आप नहीं ले सकते हो प्रॉपर्टी अगर से अगर आप बाहर लेके जाओगे जैसे मे बी स्कॉटलैंड से वो भी उस जो भी आउटसाइड लंदन जो भी अगर आपको इस प्राइस पे तो कोई भी प्रॉपर्टी मिल जाए एक बेडरूम या कोई भी दो हज़ार तो मुश्किल है कि आप महीने पर कमाओ उस प्रॉपर्टी पे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तेरह सौ पाउंड महीने का देगा प्रॉपर्टी अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे दोगे लेकिन कैमरे का ख़ास बात ये अगर ये मैं रेंट पर दूँगा अगर ऑलरेडी मैंने दिए है आठ पाउंड पर डे तो ये आपको आठ पाउंड पर डे बना के देता है तो आप <laughs> प्रॉपर्टी से कंपेयर कर दे प्रॉपर्टी वो इतना नहीं बनाएगा प्रॉपर्टी का एक सेट अमाउंट होता है जो बारह सौ जो भी प्राइस होता है वो मंथली सेट होता है फिर उसका एजेंट को अलग फीस होती है और फिर जो रह रहा है उस घर वो किस तरह रख रह रहे घर को किस तरह जो जो भी बहुत इश्यूज़ होते हैं तो अगेन इस चीज़ में मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कैमरा में बहुत टाइम से कर रहा हूँ दो से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फिर उसके बाद अभी अलहमदल कमर्शियल uh, करता हूँ जो आइसक्रीम कमर्शियल है यूके में और uh, इसलिए एक्सपीरियंस बहुत है तो मैं इसको एक अच्छी इन्वेस्ट कहता हूँ मेरे लिए और आई uh, होप इंशाल्लाह आगे भी अच्छा जाए और अभी भी अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तो हाँ कहने का मतलब यही है कि एलेक्सा थर्टी फाइव रीज़न बिहाइंड क्या था मैंने क्यों लिया किस तरह है और हाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग 我。